अभी हम बैठे हैं गंगा किनारे ऋषिकेश में, और पीछे हमारे राम झूला है। तू चलाएगा बेटा रास्ते। नजारा देखो यार मेरे पीछे। हरिद्वार में हमने गंगा स्नान कर लिया है और बस अब हम फटाफट से कपड़े पहन के और अब ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। और पीछे हमारे वो देखो, पीछे हमारे मनसा देवी जी का टेंपल है, वो रहो सामने बिल्कुल पहाड़ पे देखना, ये देखो। तो यार वहाँ तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, और हमें ये देखो अब दिखेगा, ये देखो। और हमें अब जाना सीधा ऋषिकेश। सो गाइस जैसे तैसे करके हरिद्वार जाम से निकल चुके हैं और यहाँ से ऋषिकेश रह गया है 12 किलोमीटर बस। पानी की बात तो दिखा इसके अंदर है, पानी इसमें सूखी हुई थी पहले। तो देहरादून के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना है और पोंटा साहिब के लिए भी लेफ्ट, बाकी श्रीनगर। ऋषिकेश में किया है और यहाँ से मतलब हार्डली 1.5 किलोमीटर है यहाँ से राम झूला और लक्ष्मण झूला थोड़ा सा और आगे है। तो ये हमारा ये सामने का व्यू देखो, यहाँ से पहाड़ है और ये हमारा रूम है यहाँ पे। सो ये बेड है और ये वॉशरूम है, एक बार वॉशरूम भी दिखाया तुम। ठीक है, साफ है, क्लीन है, बढ़िया रूम है। और बस अगर आपको स्टे करना है अभी तो हम यहाँ से फटाफट से पहले फ्रेश होके और सीधा गंगा घाट पे जा रहे हैं। ये है यार नज़ारा ऋषिकेश का, ओए होए होए यार क्या खूबसूरती है। और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना इस टाइम पे भाई साहब, आपको इतना विंड ब्लास्ट सुनने में आ रहा होगा। नज़ारा देखो यार मेरे पीछे, गंगा जी बह रही है और पहाड़ है और पीछे चंदा मामा। और यहाँ पे देखो ये आई थिंक राम झूला है या सीता झूला है, पता नहीं कौन सा, एक बार देखना पड़ेगा। आई थिंक राम झूला है। कितना बढ़िया लग रहा है यार, और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना भाई साहब पूछो मत। अभी हम बैठे हैं गंगा किनारे ऋषिकेश में और पीछे ही हमारे राम झूला है। और ये देखो यार गंगा जी साथ में बह रही है और हम चिल कर रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ बैठा हूँ और अरुण ये बैठा। तो यार बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है और इतना बढ़िया लग रहा है ना यार, इतनी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है, मतलब क्या बताऊँ, क्या अमेजिंग व्यू है। और मतलब यार मन कर रहा है बस यहीं बैठे रहो सब कुछ छोड़ छाड़ के और 1-2 घंटे बस देखते रहो।
मतलब हमारी किस्मत कितनी अच्छी थी कि हमने गंगा आरती में मतलब पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे थे हम गंगा आरती के टाइम पे, और कम से कम हमने 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड किया है आराम से बैठ के चिल मारा है। और यार इतनी बढ़िया हवा चल रही है कि मतलब क्या ही बताना यार, मतलब मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो फीलिंग्स आपके साथ, मतलब जो मैं एक्चुअली फील कर रहा हूँ इस टाइम पे। और अब यार भूख लग रही है तो जा रहे हैं कुछ खाने पीने, उसके बाद फिर अपने रूम पे जाएंगे। फिर कोशिश करूँगा सुबह सनराइज़ के टाइम पे अगर कुछ सिनेमैटिक शॉट्स अगर यहाँ के आते हैं ना तो आपको दिखा दूँगा। सुबह के 10:15 और सुबह हम गंगा स्नान करके आ चुके हैं। तो गंगा स्नान करने के बाद हम ब्रेकफास्ट करने चले गए थे सीधा, और अभी बस हम रूम पे आए हैं। तो अभी का प्लान ये है कि हम ना नीलकंठ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ से शायद 30-35 किलोमीटर है, बट मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो गाड़ी हमारी यहीं पार्किंग में खड़ी है, हम गाड़ी से नहीं जा रहे अभी। हम यहाँ से पेड़ जो मतलब शेयरिंग वाली जो होती है ना, यहाँ से जो 4x4 चलती है, हम उसमें जाएंगे। तो अभी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम 3-4 बजे तक वापस आ जाए, उसके बाद फिर हम सीधा घर के लिए निकलेंगे। तो फिर एक काम करता हूँ मैं, ये वाला जो एपिसोड है मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, इसे यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और कोई भी कंटेंट आपसे मिस हो। तो यहाँ से फिर हम जो नीलकंठ जी के जो दर्शन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो फटाफट से इन सबको पैक करते हैं और निकलते हैं, फिर चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।